स्टार्ट। जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। पैराग्राफ चेंज। इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी ली जाने वाली है उस स्थान पर कोई पड़ोसी उपस्थित होना चाहिए। 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाया जाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीजों की और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई है उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले
किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दिशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है, तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें अपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 की उपधारा 187 के अधीन अपराध किया है। स्टॉप।